شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وأزواجه أمهاتهم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الحمد لله آج 17 रमजान मुबारक एक बहुत बड़ी निस्बत के साथ हमारे दरमियान जलवा अफरोज़ है और हम उस बारगाह में हाजिर हैं। सैयदा फातिमतु ज़हरा, सैयदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाही अलैहिमा की बारगाहों में हाजिरी पेश करने के बाद आज हमारी रसाई हो रही है सैयदा आयशत सदीक़ा की बारगाह में, जो महबूबाए महबूब रब्बिल आलमीन हैं, जो हबीबाए हबीब खुदा हैं, सैयदा हैं, फ़कीहा हैं, आलिमा हैं, मुहद्दिसा हैं, मुफस्सिरा हैं, शायरा हैं, अदीबा हैं और सबसे बड़ी बात के हबीबा हैं। आपकी सीरत मुबारका की मुख्तलिफ जिहाद पर हम अपने पिछले मामूलात में बयान करके अपने कलूब व अजहान को मुनव्वर करते रहे हैं। तो आपकी बात जिस तरह से मैं हर बयान में वजाहत करती हूँ, चूँकि हमारा ज़्यादा वक्त आगे दरस कुरान के साथ मुंसलिक होता है और इन बारगाहों में हाज़िरी पेश करना भी ज़रूरी होता है, लिहाजा मुख्तसर हाज़िरी और अपने जज्बात पेश करते हुए हम आज भी आगे बढ़ेंगे। आपके मुझे जो चंद अल्फाज आपकी बारगाह से लेकर आप सबकी समातों की नज़र करने हैं, वो हैं हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बचपन और जवानी और इन दोनों ज़मानों की तरबियत और तरबियत का ज़ाती अक़दस पर असर क्या था। तो ये कैसे होता है, जो हमारे लिए दर्स हासिल करने की बात है वो ये है कि ये कैसे होता है। आप इस बात को इस तनाजुर में समझिए कि हमारे घरों में जब बच्चों की परवरिश होती है तो बच्चे के ऊपर किस चीज़ का रंग होता है, हमारे घर के माहौल का। आप दो सगी बहनें हों, चार सगी बहनें हों, आपकी शादियाँ मुख्तलिफ घरों में हो जाती हैं, आपके यहाँ जो औलाद पैदा होती है उन चारों की तरबियत जुदा होती है। आप तो एक ही माँ बाप की बेटियाँ थी ना, तबीयतें मुख्तलिफ होना, मिजाज मुख्तलिफ होना वो तो एक घर में भी होता है, लेकिन तरबियत का मुख्तलिफ होना ये मुख्तलिफ घरों के असरात होते हैं। जब आपकी शादियाँ मुख्तलिफ ख़ानदानों में हो गई, फिर जो माहौल आपका वहाँ था, जिस माहौल में आपके बच्चे पैदा हुए और जिस माहौल और जिस अंदाज में आपने तरबियत की, वही रंग आपके बच्चों पे नज़र आया। अब जब कभी चारों बहनों के बच्चे इकट्ठे होते हैं तो क्या होता है, हर एक का अपना रंग होता है, हर एक की अपनी तरजीह होती है। ऐन मुमकिन है कि एक बहन की शादी किसी मज़हबी और बाइलम घराने में हो गई हो तो उसके बच्चों पे शुरू से इल्म का, दीन का रंग नज़र आना शुरू हो जाएगा, और दूसरी बहन की शादी किसी ऐसे घर में हो जो हर वक्त यूरोप की नकाली करने में पेश पेश होते हैं तो उनके छोटे छोटे बच्चे भी पक्के अंग्रेज नज़र आएंगे। फ़र्क आ गया और ये बात आसानी से हमारी समझ में भी आ गई, मेरी में आ गई है, पता नहीं आपकी में आई है कि नहीं, ये बात समझ में आ गई है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप बचपन से ही इतना नॉलेज रखती थी और इतनी हाज़र जवाब थी कि बड़े बड़े भी देख कर दंग रह जाते थे। ये बात आपने सुन रखी है
कि बहुत बचपन की उम्र में ही हज़रत आयशा सिद्दीक़ा का निकाह हो गया, और वो उम्र बचपन ही कंसीडर की जाती है जिसमें आपकी रुख्सती भी होगी। हमारे बच्चे तो 11, 12, 12, 14, 14 साल की भी हों तो माँ यही कहती है अली बच्ची है, वो तो वाकई बच्ची थी। और जब आप एक रवायत के मुताबिक 9 साल की उम्र में रुख्सत होके आ जाती हैं, लेकिन बाज़ रवायात में हमने ये भी पढ़ा कि बहुत स्पेशल आपकी तरबियत, आपकी नश्वनुमा, आपकी ग्रोथ, ये सब बहुत स्पेशल था। जिस तरह सैयदा मरियम अलैहिस्सलाम के लिए हमने पढ़ा कि आम बच्चे की तरह नहीं बल्कि आम बच्चों से बिल्कुल मुनफरिद तरीके से आपकी नश्वनुमा होती थी और सालों के बराबर आप महीनों में बड़ी होती। तो कुछ सीरत निगारों ने ये भी लिखा है कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा के साथ भी ऐसा ही मामला था। बाहर क्या एज वाइज तो आप बच्ची थी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते हैं घर में, आप अपनी सहेलियों को लेके बैठी हैं और मट्टी के खिलौने रखे हैं और उनके साथ खेल रही हैं, क्या मंजर होगा। तसव्वुर में लाए कायनात के वाली आ रहे हैं और आपकी जोजा, कायनात के वाली की जोजा कितनी खूबसूरत उम्र में है और इतने नेचुरल अंदाज में बैठी हैं कि वो खिलौनों से खेल रही। तो शायद कोई और शोहर होता तो कहता हूं तेरा ब्याह हो गया, उन छोड़ दे सारी चीजें। लेकिन क्या कहें, वहां तो आने वाले रहमतुल्लिल आलमीन। तो आप आए तो देखा हजरत आयशा की सहेलियां साथ हैं, आप खेल रही हैं बड़े ही नहमाक के साथ, तो उनके हाथ में जो खिलौना है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको देख के दरियाफ्त फरमाते हैं आयशा ये क्या है। तो हजरत आयशा अर्ज करती है या रसूलल्लाह ये घोड़ा है। अब उस घोड़े के ऊपर पुश्त पे वो मट्टी की परों की शक्ल बनी होती है, पर बने होते हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरियाफ्त फरमाते हैं कि कभी परों वाला घोड़ा भी होता है, ये तुम्हारा घोड़ा कैसा है, घोड़े के तो पर नहीं होते, घोड़ा तो पैरों से चलता है, जमीन पे दौड़ता है, तो पर तो उसके होते हैं जिसने उड़ना होता है, तो ये कैसा घोड़ा है। एक लम्हा नहीं लगाया तो हज़रत आयशा अर्ज करती है कि आका सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़ों के पर नहीं होते थे। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे मुबारक पे मुस्कुराहट आती है और आप आगे चले जाते हैं। अब बज़ाहर तो ये एक छोटा सा जवाब है, लेकिन 9 साल की बच्ची ये जवाब कहाँ से ला रही है। सुलेमान अलैहिस्सलाम तो सदियां पहले दुनिया में आए थे और पर्दा फरमा गए, उनकी हिस्ट्री, उनकी सीरत 9 साल की बच्ची को कहाँ से आ गई। ये है माहौल का असर। जिस वक्त घरों में इल्मी माहौल होगा, घरों में कुरान की, हदीस की, तारीख की, अंबिया की, अल्लाह की बातें होंगी, तो शुरू से ही वो सारी चीज़ें बच्चों के अंदर फीड होना शुरू हो जाएंगी। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहाँ पली थी, सिद्दीक अकबर के घर, जो अंबिया के बाद सबसे बड़ी शान रखते हैं। तो आपके घर में टीवी की गुफ्तगू नहीं होती थी, ड्रामों की नहीं होती थी, रिसालों की नहीं होती थी, फजूल किस्से कहानियां बयान नहीं होते थे। वहां कहानियों में भी नबी की कहानियां होती थी, किस्सों में भी नबियों के किस्से होते थे। मोहब्बत में कायनात के वाली की मोहब्बत की बातें होती थी। और वो जो दौर था ना, सहाबा इकराम का दौर, वो सिर्फ हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में आके ही हजूर की बातें नहीं करते थे, खेतों में, बाजारों में, घरों में, घर की सिटिंग में, दोस्तों की सिटिंग में, जहां भी उनकी बात का मौजू है तो वो मोहम्मद मुस्तफा की बात है।
जहां कहीं बात होती है हुजूर से शुरू होती है, हुजूर पे खत्म होती है। सहाबा के अंदर इश्क का आलम यह होता कि उनको कोई बात करने को मिलती ही नहीं जमाने में किसी और की बात करें। और ये बात हम भी समझ सकते हैं कि जब कभी किसी से सच्ची मोहब्बत हो जाए, अल्लाह करे कि सच्चों से सच्ची मोहब्बत हो जाए, दुनिया वालों की नहीं सच्चों से सच्ची मोहब्बत हो जाए अल्लाह करे, तो ये बात आप भी मानेंगे कि बात किसी की हो तो बात उसी की आ जाती है जिससे मोहब्बत होती है। तो फिर सहाबाए किराम ने तो रसूलुल्लाह से मोहब्बतें करके मिसालें कायम कर दी हैं, उनकी मिसाल का ना कोई उसके बाद आया और ना कोई कयामत तक आएगा। तो यकीनन कि अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा किसके घर में मुस्तफा की बातें होती हैं। तो आयशा सिद्दीका की पहली परवरिश अबू बकर सिद्दीक की गोद में होती है, तो वहां से क्या सीखा, गुट्टी में रसूलुल्लाह की मोहब्बत है, आपके गजबात, आपकी जंगें, आपकी मोहब्बतें, आपकी अजमतें, आपकी रिफातें, वो सब हजरत अबू बकर सिद्दीक से सुनते सुनते हजरत आयशा यहाँ तक आती। और फिर उसके बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हरम में आ जाती है तो फिर तो बाकी कुछ बचता ही नहीं है। फिर और मकाम कितना बुलंद मिला, फिर कितनी शान, कितना मर्तबा मिला, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा सिद्दीका से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं कि आप उन्हें अपनी महबूबा जोजा फरमाते हैं। अब जब आप वहाँ तशरीफ लाती हैं तो फिर अमल के अंदर कितनी पुख्तगी आती है। मैं जिस पॉइंट की तरफ लाना चाह रही हूँ, अगर आप तवज्जो से सुनेंगे तो आप भी मेरे साथ साथ सफर करेंगे। अब जब आपने नबी अलैहिस्सलाम के हरम में कदम रखा तो यहाँ क्या है, यहाँ कोई महल्लेदार नहीं आ रहे, यहाँ कोई चौधरी नहीं आ रहे, यहाँ कोई जरूरतमंद नहीं आ रहे सिर्फ, बल्कि यहाँ तो बार बार जिब्रील आ रहे हैं। हज़रत आयशा के सामने यहाँ तो बार बार जिब्रील आ रही और वो रब का कुरान लेकर आ रही, कुरान का एक एक लफ्ज़ उतर रहा है, एक एक लफ्ज़ की तशरीह और तफसीर बयान हो रही है। और हज़रत आयशा न सिर्फ उसको सुन रही हैं बल्कि सीख भी रही हैं, समझ भी रही हैं। तो कितना सीखा, कितनी पाबंदी आई और कैसी इल्मो अमल की जामे बनी, इतनी जामे बनी कि बड़े बड़े अजल सहाबा जो बड़ा बड़ा वक्त नबी अलैहिस्सलाम के कदमों में गुजारते थे, आपसे वाज़ो नसीहत सुनते थे, तशरीहात और तफसीलात सुनते थे, मगर जहाँ कहीं जाके अटक जाते तो दरवाज़ा आयशा का नज़र आता। उनको जो हल मिलता उस अटके हुए मसले का, वो हजरत आयशा के दरवाजे से आके मिलता। सोचने की बात है कि कितनी जहानत, कितनी फतानत थी आपके अंदर कि आप अपनी उस काबिलियत में बड़े बड़े सहाबा से भी सबक ले गई, आगे बढ़ गई। अभी भी मैंने जिक्र किया ये सुमेरा जमान साहबा की प्रेजेंटेशन के दरमियान कि इनके काम को मर्दों ने अपने से ज्यादा समझकर उनके साथ शिरकत कर लेना अपने लिए ज्यादा फायदा मंद समझो। और मेरा ख्याल है अगर कोई मर्द समझदार होगा तो वो ऐसा ही करेगा, वो देखेगा कि हमारी औरतें खुद ब खुद अगर लेके की तरफ चल रही हैं तो हमें क्यों नहीं सपोर्ट करना चाहिए। वरना दूसरी तरफ क्या होता है, दूसरी तरफ मर्द सारी जिंदगी इस बात पे खपता रहता है कि काश के मेरे घर की औरत पढ़ी लिखी होती और मेरी नस्ल को संवार देती। अब देखना ये है कि वहां जो माहौल है उस माहौल में अमल का मायार हमें ये नजर आता है कि जब
मुनाफिकीने मदीना हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के मुतल्लिक साजिशें करना शुरू होते हैं। वो पूरी कोशिश करते हैं कि आपका ख़ानदान स्कैंडलाइज हो जाए, कोई ना कोई ऐसा स्कैंडल बना के मंजर आम पे लाया जाए कि लोगों को माज़ अल्लाह हजूर के ख़ानदान से नफरत हो जाए और लोग दीन से पीछे हट जाए। लेकिन अल्लाह क्या फरमाता है कि अगर पूरी दुनिया इकट्ठी होकर मेरे किसी बंदे को निगलेक्ट करना चाहे या ख़त्म करना चाहे और मैं उसको बचाना चाहूँ, कोई कुछ नहीं कर सकता। और अगर सारी दुनिया मिलकर किसी को बचाना चाहे और मैं उसको बचाना ना चाहूँ तो तब भी कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आम बंदे के लिए अल्लाह का ये कायदा है तो रसूल खुदा के लिए क्या कायदा होगा? और आप अलैहिस्सलाम के ख़ानदान के लिए अल्लाह को उनकी इज्जतें कितनी महबूब थी। तो जब आपके ख़ानदान को स्कैंडलाइज करना चाहा मुनाफिकों ने, साजिशें की, तो क्या किया? सूरह नूर में मैं पिछली तकारीर में और तावील दीन में आपको बड़ी अच्छी तरह ये पढ़ा चुकी हूँ कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा को बाकायदा तोहमत लग गई, बाकायदा इल्ज़ाम बदकारी का माज़ अल्लाह खराबी का बुराई का लगा दिया गया, जिसमें सदाकत ना होने की क्या बात है, वो तो सरासर झूठ और बकवास और अफवाह थी सिर्फ एक साजिश को हवा देने के लिए। मगर ये कैसे हो सकता था कि रसूलुल्लाह के घर में उनकी साजिश कामयाब हो जाती? तो फिर कायनात देखती रह गई, लोग प्रूफ तलाश करते रह गए। रब करीम ने खुद अपनी लाजवाल किताब के अंदर 18 आयतें नाजिल कर दी, कहा कि मेरे सिद्दीक की बेटी सिद्दीका और मेरे महबूब की बीवी महबूबा, उसके लिए तुम गारंटी और सदाकत और सबूत तुम लोगों से तलाश करने के लिए मुंतजिर हो तो कायनात में कोई इनका सबूत नहीं देगा, मैं खुदा दूंगा। तो उनका मकाम तो क्या मकाम है? हम जरा पीछे से आए तो जिस वक्त ये साजिशें चल रही थी ना, अल्लाह ताला ने कुरान करीम में ये आयत नाज़िल फरमा दी कि जो ख़वातीन हैं मेरे महबूब की, जो बीवियाँ और मेरे महबूब के अहले खाना हैं, उनमें से औरतें बाहर निकलना छोड़ दें, वो घर में रहें और उस कुरान की तिलावत किया करें ज़्यादा से ज़्यादा और अल्लाह का जिक्र किया करें जो अल्लाह अपने महबूब पर नाज़िल करता है। तो उस हुक्म का सबसे ज्यादा फायदा जो हासिल किया वो सैयदा आयशा ने किया। अब इसके बाद जब कुरान करीम ने औरतों की इज्जत और नामूस और अजमत के लिए, उनके तकद्दस के लिए अल्लाह करीम एक हुक्म नाजिल फरमाता है, क्या? कि अब औरतें जो इस्लाम लाएंगी उनके ऊपर फर्ज होगा कि वो पर्दा करें। तो वहां जो नबी के गुलामों की बीवियां थी, नबी के सहाबा की बीवियां थी, सहाबियात थी, उनके अमल में पुख्तगी और ज़ौक और वलवला ये इस कदर था कि उधर आयत आने की देर है, इधर किसी मुसलमान औरत का चेहरा किसी को नजर नहीं आता। फिर हुक्म आया कि औरतें जब रास्तों में चलें, ये ज़रा तवज्जो फरमाइएगा नौजवान बच्चियाँ भी और ख़वातीन भी, कि औरत के लिए घर से बाहर निकल के चलने का तरीका क्या है, हमारे कुरान ने वो भी सिखाया। औरत जब घर से बाहर निकले, बाजार में, गली में, रोड पे, कहीं भी चल रही हो, तो उसके लिए शरई तरीका क्या है, तालीम क्या है, कि वो रोड या गली के किनारे पर चले, वो रास्ते के दरमियान में कभी ना चले, ये तालीम है कुरान है। वो जहां भी चल रही है उसे चाहिए कि फौरन रास्ता बना के साइड पे चले, हत्ता कि काबे में तवाफ करने के लिए भी जाए तो हुक्म दिया गया कि वो रश से किनारे किनारे पे होके तवाफ करे। हमारी औरतें वहां भी धक्के दे रही होती है आगे भागने के लिए, निकलने के लिए, और गली मोहल्ले में भी यही कुछ होता है।
ये तालीम बहुत जरूरी है, इस पॉइंट को नोट कर ले और अमल भी शुरू कर ले। तो सहाबियात का ये आलम था कि वो इतनी गले के साथ, वो दीवार के साथ लग के चलती कि उनके ये कंधे भी दीवारों के साथ रगड़े जाते थे, इतनी हुक्म की पासदारी थी नबी अलैहिस्सलाम। तो जब आम लोगों की पासदारी का ये आलम था, पर्दे का, हया का, तो आप सोचिए कि हरम नबवी की औरतों का आलम क्या हो। मगर इस तरह के अहकाम और इस तरह के अमल उस वक्त वजूद में आते हैं जब हया का राज हो, जब हया का जमाना हो, जब हया आम हो, और जब इसके बरक्स बेहयाई का राज हो जाए, बेहयाई आम हो जाए, और औरतें नंगी निकल कर बाहर कहें कि हमारा जिस्म हमारी मर्जी और हम भी किस मर्दों से किसी तरह कम नहीं हैं, हम भी शाना बशाना चल के शाने से शाना मिला के काम करेंगे, तो फिर वो शाने जो दीवारों के साथ घिसटते थे उनका रोल क्या था। सोचिए, ये आम लोगों का अमल था। अब सैयदा आयशा का अमल क्या है? सैयदा आयशा का अमल ये है कि आका दो आलम रहलत फरमाते हैं, आपका कमरा, आपका हुजरा, उसी में आका अलैहिस्सलाम की आमद तक के लिए आराम फरमा रहे हैं। क्या पाबंदी थी? जैसे पहले घर में दाखिल रहती थी वैसे ही आप, आपके हुजरा मुबारक में आप भी जाती हैं, उसी अंदाज से, उसी बेतकल्लुफी से। 2.5 साल गुजरे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक रहमत फरमा गए, वो शौहर थे, ये बाप थे, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब जब अगले अरसे में जाकर हजरत उमर फारूक का विसाल होता है और वो गुंबद खजरा में दफन होने की इजाज़त मांगते हैं और आप उनको इजाज़त दे देती हैं और आपकी खबर मुबारक गुंबद खजरा के अंदर बन जाती है, कुर्बान जाए सैयदा आयशा के तकवे पर और गैरत ईमानी पर, क्या उन कब्रों के आगे आप पर्दा लगा दो? किसी ने पूछा कि अम्मा जान आप ऐसा क्यों कर रही हो? फरमाया, पहले मेरे बाप थे, मेरे शौहर थे, अब उमर हैं, उमर से मेरा पर्दा है, मुझे हया आती है कि मैं इस तरह आम सामने फिरूं और आऊं जाऊं और उमर की कब्र सामने है। कोई औरत कायनात में ये सोच सकती है कि किसी कब्र से भी पर्दा किया जाएगा? ये तकवा है सैयदा आयशा का, और इस तकवे के ऊपर भी जो चीज़ गालिब है वो हया है, वो हया है। हम क्या करते हैं, देखिए हया का मतलब समझिए, हम क्या करते हैं, हम जब अकेले होते हैं सर से कपड़ा उतार देते हैं, उतार के फेंक देते हैं, गले नंगे हैं, पिंडलियाँ चढ़ा लेते हैं, बाजू चढ़ा लेते हैं, दलील क्या है? कोई बंदा ही नहीं घर में, तो जैसे मर्जी हम रहें, काम करें, जो मर्जी करें, इसमें कौन सा हमें कोई देख रहा है? उलमा क्या फरमाते हैं? उलमा फरमाते हैं सारी दुनिया से ज़्यादा अगर तुम्हें हया करनी है तो अपने रब से करो, सबसे ज़्यादा हया अपने रब से करो। तो जिस वक्त हम ये कहते हैं कि कोई हमें देख नहीं रहा, बाल खोल दो, कपड़े उतार दो, सब कुछ कर दो, नंगे नहा लो जाके सेल में नलके के नीचे, या कोई और देख नहीं रहा तो वॉशरूम का दरवाज़ा भी बंद ना करो, कोई घर में आई नहीं, उस वक्त हमें याद होता है कि हमारा अल्लाह है? नहीं होता ना, नहीं होता। इसीलिए तो हम बेबाक होते हैं, इसीलिए तो हम ज़रूरत नहीं समझते कि अब भी हमें हया की ज़रूरत है। उनके अंदर वो हया का ये दर्जा था कि अकेले में भी और कब्र के अंदर लेटे हुए उम्र फारूक से भी इतनी हया थी कि उनके सामने भी वो बेपर्दा नहीं जाते। और मैं आपकी खिदमत में अपना हुस्न जन पेश करूं कि ये जो हमारे स्टेज पर रमजान मुबारक में जो एक फैज आता है, आप समझ गए होंगे मेरी बात, हमारे स्टेज पर जो रमजान में एक फैज आता है, आपको पता है ये कहाँ से आता है? ये 3 रमजान से शुरू होता है, फिर 10 रमजान में आके जोश पे आता है, और फिर 17 रमजान तक उसको इंतहा होती है। और कितना फैज और कितनी कबूलियत होती है कि हर रमजान में कितनी खवातीन, कितनी बच्चियां, बूढ़ी औरतें जो बापर्दा होने का ऐलान करती हैं और बाकायदा स्टेज पे आके चेहरों पे हिजाब लेती हैं।
ये जो हर साल हम अकीदतों मोहब्बतों के खराज पेश करते हैं इन बारगाहों में और उनसे उनका उस्वा मांगते हैं और उनसे उनकी तालीमात में चलने की इल्तिजा करते हैं, अल्लाह हमारी उन इल्तिजाओं को कबूल करता है। और अगर यहां बैठ के आपको सुनाने वाला वो सिर्फ उतना टाइम बुरका पहन के आए जितना टाइम महफिल पे आना और बाजारों में लोग भी उसको नंगे मुंह देख रहे हैं और यहाँ बयान करने वाला खुद आपको अमल करके भी ना दिखाए और उस बारगाह से खैरात लेकर ना दे, तो ये मंजर कभी स्टेजों पे नजर नहीं आते। आप पूरी दुनिया में चले जाएं, आप जहां भी जाएं जाके प्रोग्राम अटेंड करें, आज हजारों जगह पे तो सिर्फ एक गुजरात में पूरे रमजान में दरसे कुरान हो रहे हैं। जाएं जाके सर्वे करके आके मुझे बताएं कि किसी स्टेज पे यूं लोग दर्जनों कितारों कितार आके हिजाब पहनने के लिए इसरार कर रहे हो और तरस रहे होंगे हमें हिजाब बांध ले, हमने तो बापरदा हो। किसी जगह से आपको ये खबर मिली तो मैं दावे से कहती हूँ मुझे आके बताइए। कितना करम है आपके उस खानदान का, अहले बैत अतहार के तकद्दस का और उस नूरानियत का, रश्क करें अपने ऊपर कि अल्लाह ने हमें सच्ची गुलामी अता फरमाई और हम खराज अकीदत पेश करते हैं अपनी उस माँ के हजूर जिनका मकाम ये है कि ये फकीहा आलिमा हैं, सैयदा माँ आयशा। ये फकीहा आलिमा हैं, सैयदा माँ आयशा। इल्म में सबसे जुदा हैं, सैयदा माँ आयशा। इल्म में सबसे जुदा हैं, सैयदा माँ आयशा। और आपके बिस्तर मुबारक पर भी आती थी वही। ये मकाम वही का किसी और जोजा के बिस्तर में नहीं आता था जो हजरत सैयदा आयशा को सआदत हासिल थी कि आपके बिस्तर मुबारक पर भी आती थी वही। क्या मकामो मर्तबा है सैयदा माँ आयशा। और मुस्तफ़ा ने जान दी जब सर था तेरी गोद में। मुस्तफ़ा ने जान दी जब सर था तेरी गोद में। ये तो एजाज़े खुदा हैं सैयदा माँ आयशा। आपकी तस्वीर लेकर, किसकी तस्वीर? हजरत आयशा की। आपकी तस्वीर लेकर आए जब रूहुल अमीन। ज़ौज शाहे अंबिया हैं सैयदा माँ आयशा। आयशा का हुजरे अनवर रोज़ाए सरकार है। आयशा का हुजरे अनवर रोज़ाए सरकार है। ये मोहब्बत का सिला है सैयदा माँ आयशा। और आपकी पाकी में उतरी हैं 18 आयतें। आपकी पाकी में उतरी हैं 18 आयतें। ये गवाही ये खुदा हैं सैयदा माँ आयशा। और अजमतें ऐसी उजागर अर्श पर नारे लगे। अजमतें ऐसी उजागर अर्श पर नारे लगे। तैयबा और ताहिरा हैं सैयदा माँ आयशा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपकी मुकद्दस बारगाह से और ज़्यादा फैज़ अता फरमाए, हमें और ज़्यादा इखलास अता करें और हमें इस दर की सच्ची गुलामी हमेशा के लिए अता कर दें कि हम इस बारगाह से फैज़ हासिल करते रहें और हमारे अंदर वो तकद्दस, वो एहतराम, वो दीन की पाबंदी, वो शरीयत की पाबंदी और सबसे बड़ी पर्दे की पाबंदी आ जाए। अभी अगर बहुत से लोगों को लोग देखते हैं कि इन्होंने पर्दा शुरू कर दिया, फिर सभी को देखना शुरू कर दें कि यहाँ आते ही पर्दे वाले हैं। तो इन तमाम चीज़ों को दिलों में उतारने के लिए हमारा रोज़ाना का नारा हम नगमाए कुरआनी, हर फर्द को हम इसका أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أندعو من دون الله ما لا ينفع
ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق فيوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون صدق الله العظيم. قل أنا أدعو आप फरमा दीजिए क्या हम पुकारें मिन दूनिल्लाही अल्लाह के सिवा मा उनको ला जो ना यनफउना नफ़ा दे सकते हैं वला यदुर्रुना और ना हमें कोई नुकसान। सबक पे पहुंच गए आप जी। वनुरद्दु अला आकाबिना और हम लुटा दिए जाएं उल्टे पांव बाद इसके इज हदान अल्लाह के अल्लाह ने हमें हिदायत दी कल्लजी उस शख्स की तरह इस्तहबतु जिसे भटका दिया हो अश्शयातीनु शैतानों ने फिल अर्दी जमीन में हैराना हैरान परेशान है लहू उसके अस्हाब कुछ साथी या कुछ अस्हाब यदऊना हूँ बुला रहे हूँ इलल हुदा हिदायत की तरफ इतना के इधर आओ कुल आप फरमा दीजिए इन्ना बेशक हुदल्लाही
हदायत अल्लाह की ही हुवल हुदा असल हिदायत है। वह उमिदना और हमें यही हुक्म है लिनुस्लिमा कि हम गर्दन झुका दें या मुसलमान हो जाएं या इस्लाम ले आएं ले रब्बिल आलमीन रब्बिल आलमीन के सामने। आपको ये याद होगा कि हमारे हर सबक का पिछले सबक के साथ रब होता है, जो मौजू चल रहा होता है अगर पिछले दिन में मौजू ख़त्म ना हो तो वही आगे चल रहा होता है। तो पीछे वाले सबक में ऐसी ही बातें आ रही थी और इन्हीं लोगों को समझाते बुझाते आखिर पर जो हमारी आयत मुकम्मल हुई थी वो थी कि ये लोग अगर दुनिया में तौबा नहीं कर लेंगे तो आखिरत में जाके ये चाहेंगे कि हमसे कुछ बड़े से बड़ा बदला ले लिया जाए। बदले से मुराद है इवज ले लिया जाए, रकम ले ली जाए, दौलत ले ली जाए तो हमें माफ़ कर दिया जाए। तो अल्लाह ने क्या फरमाया था कि अगर ये पूरी रूए ज़मीन के बराबर एक एक बंदा मालिक हो और वो सब का सब उस बदले में देना चाहे तो भी कबूल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा उनके लिए दोज़ख के खौलते पानी का अजाब होगा। तो ये लोग चूंकि मुसलमानों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्हीं चीज़ों की दावत देते थे खुद संवरने की बजाय, तो अल्लाह ने फरमाया कि आप इनको ये फरमा दीजिए, ये कह दीजिए कि क्या हम तुम्हारी तरह बेवकूफ़ बन जाएं और तुम्हारी तरह हम उन चीज़ों की पूजा शुरू कर दें जो ना हमें कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है और ना नुकसान, यानी लकड़ी बुत पत्थर मट्टी जिनके तुमने बुत बना रखे होते हैं, और ऐसा करके हम उल्टे पांव फिर जाएं। यानी ये एक तमसील मिसाल बयान की गई है कि जिस तरह मुसाफिर एक होता है ना वो अपने दोस्तों के साथ जंगल में जाता है, जंगल में भूत होते हैं शैतान होते हैं और उसको वो रास्ता बहका देते हैं, मुख्तलिफ शक्लों में आते हैं और आके उसको मंजिल मकसूद से हटाकर गलत रास्ते पर डाल के कहते हैं कि ये तेरी मंजिल मकसूद है। तो अगर वो बंदा उस वक़्त जिन्नों और भूतों के कहने पर उस गलत रास्ते को अपनी मंजिल मकसूद समझ के चल पड़ेगा तो क्या होगा बताइए, वो बच जाएगा, वो हिला हो जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। और अगर वो अपने साथियों की बात मान लेता और उन जिन्नों भूतों की बात ना मानता और जिधर साथी चल रहे थे उधर चलता रहता तो सलामती से मंजिल पे पहुंच जाता ना, फिर बच जाता गुमराही से, सलामत रहता। तो यह मिसाल बयान की जा रही है कि यही हाल उस शख्स का है जो इस्लाम से हट गया, शैतान के रास्ते पे चला, मुसलमान उसको बुलाते रहे कि मत इस रास्ते पे जाओ, तुम इस्लाम के रास्ते पे आओ, लेकिन उसने नहीं माना। तो बिल्कुल उसी तरह अगर नहीं माना तो उसका अंजाम भी वही होगा जो जंगल में भटक कर जिन्नों भूतों के पीछे चलने वाले का होगा। और ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हकीकत में जो हदायत है वो वही है जो अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह की तरफ से हदायत हमारे तक कैसे पहुंचती है, रसूलुल्लाह के ज़रिए से, आपकी ज़ुबान अक़दस से, आपके अमल पाक से हदायत हमारे तक पहुंचती है जब हम उसको फॉलो करते हैं, उस पर चलने वाले मुत्तबे बन जाते हैं, तो अल्लाह पाक हमें हदायत के रास्ते पे कायम कर देता है। और इसके अलावा इस्लाम के अलावा क़यामत तक अब अगर कोई भी रास्ता कोई बंदा इख्तियार करेगा और कहेगा कि ये रास्ता ज़्यादा अच्छा है तो समझ लो कि वो सबसे बड़ा गुमराह इंसान है। जब अल्लाह और उसके रसूल ने फरमा दिया कि अब क़यामत तक ना कोई दीन आ सकता है, ना दीन लाने वाला आ सकता है, ना किताब आ सकती है, तो फिर कोई कितना ही अक्लमंद क्यों ना हो, कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो, वो सबसे बड़ा जाहिल और बेवकूफ़ है, उसकी बात पे कभी मत जाओ। कुरान से हट के कोई रास्ता नहीं है, रसूल की सुन्नत से हट के कोई रास्ता नहीं है। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम उस रब की ही इबादत करें
अपने रसूल की इताअत करें और इसी पे जिंदगी बसर करें। अब देखिए, अब आयत आगे बयान की जा रही है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक। वो क्या है कि जी वह अन अकीम सलात, नहीं अभी वो आयत आगे है, मेरा सफा आगे पलट गया था। वह अन अकीम सलात व तकू, और सीधी राह चलने की ये निशानी है कि तुम हमेशा नमाज कायम रखो और हमेशा अपने रब से डरते रहो। बहुवल्लजी इलैहि तुहशरून, वही वो ज़ात है, वही वो अल्लाह है जिसकी तरफ तुम सबको क्या होना है, उठाए जाना है, तुम सब उठाए जाओगे। बहुवल्लजी, और वही अल्लाह है, खलक़ समावाती, जिसने आसमान पैदा किए, वल अर्द और ज़मीन पैदा की, बिल हक़ी सबको ठीक ठीक बनाया, किसी में कोई नक्स नहीं, किसी में कोई ख़राबी नहीं, कोई कम और ज़्यादा नहीं। व यौम यकूलू, और जिस दिन वो फरमाएगा कुन, हो जा, हर शय से वो फरमाएगा। क्यों फरमाएगा? सब कुछ तो तबाह हो चुका होगा, दुनिया तो ख़त्म हो चुकी होगी, आसमान तो रुई के गालों की तरह रेजा रेजा होके उड़ गए होंगे, पहाड़ रेत के जर्रे बन के बिखर गए होंगे, हर चीज़ ख़त्म हो चुकी होगी। तो उस दिन क्या करेगा रब दोबारा इनको खड़ा करने के लिए? हर शय से फरमाएगा कुन। ये दो हरफों का एक कलिमा रब के फरमाने की देर होगी, फयकून, हर चीज़ अपनी जगह पर कायम हो जाएगी। कौलुहुल हक, उसी का फरमान सच है, वलहुल मुल्क, और उसी की बादशाहत होगी। यौम युनफखु, जिस दिन फूंका जाएगा, फिस्सूरी, सूर, आलिमुल गैब, जानने वाला है हर गैब को, व शहादा, और जाहिर को, वहुवल हकीमुल खबीर। और अब उसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम की बात, अल्लाह फरमा रहा है कि इनको ज़रा याद दिलाइए लोगों को कि वह इस काला इब्राहिम, जब इब्राहिम ने कहा ले अभी ही आज़र, अपने बाप आज़र से, अततखिज़ु असनामन, क्या तुम बुतों को बनाते हो, आलिहा माबूद, इन्नी अराका, बेशक मैं देखता हूँ तुझे, व कौमा का, और तेरी कौम को, फी गुलाली मुबीन, खुली गुमराही में, व कजाली का, और इसी तरह, नूरी इब्राहिम, हमने दिखा दी इब्राहिम को मलकूत, बादशाही, असमावाती, आसमानों, वल अर्द और ज़मीन की, व लिया कूना, और ये कि वो हो जाए, मिनल मुकिनीन, ऐनुल यकीन वालों में। ऐनुल यकीन, ऐनुल यकीन होता है जो आंख से देखकर यकीन आता है चीज़ का। तो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को दुनिया और आसमानों की बादशाही इसलिए दिखाई कि वो अपनी आंखों से देखकर अपने यकीन को और पक्का कर लें, वरना कोई नबी ऐसा तो नहीं होता कि अल्लाह की किसी बात पे वो यकीन ना करने वाला हो। यहाँ पर इस काला इब्राहिम जो बात फरमाई गई है, ये आज़र कौन है? यहाँ पे अभी, जिस तरह पंजाबी और उर्दू में हम अपने बाप के हम उम्र किसी भी बंदे को देखते हैं ना, जो हमारे मोहल्ले का होता है और बरादरी में होता है, हमारे मैके का होता है या ददियाल का होता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं? चाचा जी बोलते हैं ना, वो हमारा सगा चाचा होता है, नहीं होता ना? ये क्या तरीका है? ये एक अदब का, मोहब्बत का, ताज़ीम का तरीका है कि जो भी बंदा आपको अपने बाप की उम्र का लगता है तो आप उसको चचा कहते हैं। अब चेंज हो गए हैं, अब अंकल कह लेते हैं, लेकिन हर लैंग्वेज जो जिस कौम की होती है ना,
जो लज्जत उस लैंग्वेज का लफ्ज बोलने में होती है वो दूसरे में नहीं होती। आप अंकल 100 बार बोले उसके अंदर अपनाइत नहीं है, उसके अंदर अदब नहीं है, लेकिन चचा कहने में एक शर्म भी होती है, हया भी होती है, अदब भी होता है। बाहर क्या यहां पर अरबी में भी जो लोग बोलते हैं अपने बाप की उम्र के लोगों को अब यानी बाप कह देते हैं इसी तरह से। तो यहां पर जो लफ्ज अभी इस्तेमाल हुआ है ये इब्राहिम के सगे बाप नहीं है, ये इनके चचा लगते हैं, और चचा सगे चचा अगर हो तो उनको तो बाप कहना कोई आर ही नहीं होती। बड़े अबू तो छोटे अबू घरों में बोला नहीं जाता, वो पापा हैं तो ये अबू हैं तो वो बाबा हैं, कितनी किस्म के अबू हो जाते हैं जी। तो ये बुत बनाते भी थे, बुत बेचते भी थे, बुतों को पूजा भी करते थे। आजर इनको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने यहां पर इस बात से मना किया और उन्हें कहा कि भाई ऐ चचा क्या तुम बुत बनाते भी हो और बुतों को बना के बेचते हो और फिर बुतों को माबूद बनाते हो, मैं तुम्हें भी और तुम्हारी सारी कौम को भी गुमराह देख रहा हूँ। ये सीधा गुमराही का रास्ता है, इसमें कोई शक नहीं। फिर अगली आयत में अल्लाह फरमा रहा है कि इब्राहिम को दीन में अल्लाह ने ऐसी बिनाई अता फरमाई कि उन्हें ज़मीन और आसमानों के अंदर जितने मुल्क थे वो सब अपनी एक जगह पे ज़मीन पे रहते हुए उन्होंने देख लिए, और अल्लाह ने उनको दिखाया कि मेरी बादशाहत, मेरी सल्तनत, मेरे मुल्क कहाँ कहाँ और कैसे कैसे हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद हज़रत इब्राहिम का ईमान और यकीन और पुख्ता हो गया, और यही दिखाना हज़रत इब्राहिम की मेराज था। इसके लिए बैतुल मक़दस में जिस पत्थर के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी को बांधा गया था बुर्राक को, उस पत्थर का नाम सखरा है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इब्राहिम को ये सब कुछ दिखाना चाहा तो हज़रत इब्राहिम को उस सखरा पत्थर के ऊपर खड़े होने का हुक्म दिया गया। आप उस पत्थर के ऊपर खड़े हुए और अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी आंखों के वो खास पर्दे हटा दिए, उस पत्थर के ऊपर खड़े होके आपने अल्लाह ताला की तमाम मखलूकात और तमाम जहानों का मुशाहिदा कर लिया, यहाँ तक कि अल्लाह के अर्श को भी देख लिया, लोहे महफूज को भी देख लिया और कुर्सी को भी देख लिया। तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ने वजाहत फरमाई कि हमने ये सब कुछ इब्राहिम को क्यों दिखाया। फरमाया हमने ये निशानियां उसको इसलिए दिखाई हैं कि वो देखकर अपनी आंखों से देखकर यकीन करे, सिर्फ सुनकर जिब्रील से सुनकर या किसी और अंदाज से उनका यकीन आम हमारे तरह के लोगों की तरह न रहे, बल्कि वो सब कुछ अपनी आंखों से देखकर यकीन करे। और हर जाहिर और बातिन को अल्लाह ने उनके सामने खोल दिया। अब जरा रश्क कीजिए, फख्र कीजिए, तसव्वुर में लाइए कि हज़रत इब्राहिम की मेराज सखरा पत्थर पे खड़े होके हो रही है और मुस्तफ़ा करीम की मेराज दना फतदल्ला फकाना काबा कौसैनी औदना पे जाके रब के रू बरू मेराज पाक हो रही है। अब आगे हज़रत इब्राहिम का एक अहवाल बयान हो रहा है कि वो जो बुत परस्ती का ज़माना था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहिम को किस तरह उन्हें लाजवाब करने के लिए अपनी दलीलें दिखाईं और हज़रत इब्राहिम ने किस किस तरीके से उन लोगों को लाजवाब किया। फलम्मा जन्ना, फिर जब छा गई अलैहिल लैल उन पर रात, रहा उन्होंने देखा कौकबा एक तारा, कौकब किसे कहते हैं तारे को, यानी रात के वक्त ही तारे नजर आते हैं, कुछ लोग दिन को भी तारे दिखा देते हैं, ये वो तारे नहीं थे, ये असल वाले तारे थे। तो काला हाजा,
कहने लगा, कौन? इब्राहिम। रब्बी, ये मेरा रब है। अजीब सी बात थी ना, अंधेरे, पूरे अंधेरे छाए में, और इतने अंधेरे में वो आसमान के ऊपर एक तारा चमक रहा है। तो कहा, ये तो बड़ी अजीबो गरीब सी चीज है, ये मेरा रब है। फलम्मा, फिर जब अफला, वो तारा डूब गया। काला, तो बोला, ला उहिब्बु, मैं नहीं पसंद करता आफिलीन, डूबने वालों को। भाई जो डूब गया है, जो गायब हो गया है, तो मैं उसको खुदा कैसे मानूं? जब मुझे खुदा की जरूरत पड़ेगी तो मैं कहां से तलाश करूंगा? ऐसा वो क्यों कर रहे थे हजरत इब्राहिम? ऐसा क्यों कर रहे थे वो? उस कौम को जिन्होंने बुतों को खुदा बना रखा था, उनको लाजवाब कर रहे थे, उनको बता रहे थे स्टेप वाइज। तारा गायब हो गया। फलम मारा अल कमर, फिर जब उसने चांद को देखा, बाजीगा, चमकता हुआ, काला हाजा रब्बी, फरमाया फिर ये मेरा रब है। फलम्मा अफला, अपने टाइम पे जब वो भी डूब गया, काला तो फरमाया, लइन लम यहदिनी, अगर मुझे हदायत ना देता रब्बी, मेरा रब, लअकूनन्ना, तो मैं जरूर हो जाता मिनल कौमि दाललीन, गुमराह कौम में से। यानी मैं भी चांद को एक नया खुदा बना लेता, जिस तरह इस गुमराह कौम ने बुतों को खुदा बना रखा है। फलम मारा अशम्स, ये दो सीन खत्म हो गए। तीसरा दिन चला, तो दिन को सूरज देखा, बाजिगतन, जगमगाता हुआ, जैसे सूरज होता है। काला हाजा रब्बी, तो कहने लगा ये मेरा रब है। हाजा अकबर, ये तो बाकी सबसे बहुत बड़ा है, तो ये तो रब होना चाहिए। फलम्मा अफलत, फिर जब वो भी डूब गया, काला या कौम, तो फरमाया है मेरी कौम, इन्नी बरी, बेशक मैं बेजार हूँ, मिम्मा, उन चीज़ों से, तुशरिकून, जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो। मैंने एक एक चीज को देख लिया, इनमें कोई भी खुदा बनने के काबिल नहीं है, और ये कोई खुदा है भी नहीं, खुदा की ये सिफात ही नहीं है जो इन चीज़ों के अंदर है। तो सुनो, इन्नी वज्जहतु, बेशक मैंने कर लिया वज्हिया, अपना रुख, लिल्लज़ी, उस जात की तरफ, फतरा, जिसने पैदा किया, अस्समावाति वल अर्द, आसमानों और जमीन को, हनीफा, एक उसी का होकर, यानी मैं सिर्फ उसी का हूँ, उसी का रहूँगा, और मैंने उसी की तरफ अपना रुख कर लिया। वमा अना मिनल मुश्रिकीन, और मैं नहीं हूँ मुश्रिकों में से। तुम सारे मुश्रिक हो, तो मैं तुम्हारे अंदर से अपनी बरात के लिए हाथ खड़ा करता हूँ कि मैं तुम में से नहीं हूँ। इससे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस्लामी अकीदे को वाज़े फरमाया। ये सब कुछ कह के आपने इस्लामी अकीदे को ज़ाहिर फरमाया। यहाँ पे पीछे जो पस मंज़र है, वो यहाँ भी हज़रत मूसा वाला है। जिस तरह हज़रत मूसा की पैदाइश से पहले फ़िरौन ने ख्वाब देखा था, इसी तरह हज़रत इब्राहीम की पैदाइश से पहले नमरूद ने ख्वाब देखा था। इस वक्त जो बादशाह खुदाई का दावा करने वाला था, उसका नाम नमरूद है। तो उसने जब इसकी ताबीर पूछी, तो उन्होंने भी यही कहा कि एक फर्जंद पैदा होगा जो तेरे मुल्क को जवाल देगा, और तेरे दीन वाले सब उसके हाथों हिलाक हो जाएंगे। ये खबर सुन के वो भी बड़ा परेशान हो गया फिरौन की तरह, और उसने भी हुक्म दे दिया कि जो बच्चा पैदा हो उसको मार दिया जाए, कत्ल कर दिया जाए। तो लेकिन वही बात कि अल्लाह की तकदीर को कौन टाल सकता है, और जिसे वो बचाएगा उसे मार कौन सकता है। हज़रत इब्राहीम की वालिदा को जब हमल हो गया, और नमरूद को भी उस बात की खबर हो गई कि वो बच्चा जो तेरी सल्तनत के लिए ख़तरनाक है, वो बच्चा माँ के हमल में आ चुका है। उन्हें ये तो नहीं पता था माँ कौन है, लेकिन इल्मे नजूम से
उन्होंने ये अंदाजा लगा के बताया कि वो बच्चा माँ के पेट में आ चुका। तो अब मसला ये था कि उधर हजरत की वालिदा की उम्र बहुत ज्यादा हो गई हुई थी, हजरत इब्राहिम की वालिदा की इतनी उम्र थी कि जहां कोई बंदा गुमान नहीं कर सकता कि शुभ औरत को भी हमल हो सकता है। अल्लाह के इंतजाम देखें, कहीं वो कैसे छुपाता है और कहीं कैसे संदूक में डलवा के भेजता है और कहीं हमल ही उस औरत को देता है जिसके लिए किसी की तवज्जो ही नहीं। वो इतनी बूढ़ी हो चुकी थी, तो बढ़ापे में आप समझते हैं कि बाज़ लोग बहुत कमज़ोर हो जाते हैं तो बाज़ बहुत मोटे हो जाते हैं, और बाज़ औक़ात औरतों के कई बीमारियों से पेट वैसे भी फूल जाते हैं। लेकिन उम्र अगर एक औरत की 70-80-90 साल होगी, उसका पेट इतना बड़ा होगा तो कौन कहेगा कि तुम्हारे यहाँ बच्चा पैदा होने वाला है? वो कहेंगे भी ये तो बेचारी बूढ़ी औरत है, इसको बीमारियों ने साल भी कर दिया। अब अल्लाह के इंतजाम देखिए, अल्लाह तबारक तआला ने उसी तरह हजरत इब्राहिम को पैदा कर दिया। जब पैदाइश का वक्त आया तो आपकी वालदा नीचे जमीन के नीचे तय खाने में चली गई। वो तय खाना पहले से आपके वालिद ने शहर से दूर एक जगह पे बनवा रखा था। उस जगह पे आपकी विलादत हुई और आप वहीं पे रहते। पत्थरों से उस तहखाने का दरवाजा बंद कर दिया जाता दिन के वक्त कि किसी को शक ही ना हो कि यहाँ कोई रहता है। रोजाना अपने वक्त पे उनकी वालदा आती, दूध पिला के चली जाती। जिस वक्त देर हो जाती और जब भी आप पहुंचती तो जाके देखती कि हजरत इब्राहिम अपने अंगूठे को चूस रहे होते थे और उस अंगूठे से दूध बरामद हो रहा होता। इसी तरह बहुत जल्दी आप बढ़ते रहे और बड़े हो गए। तो ये जो चीज़ें हैं जो भी मैंने बयान की हैं, उस वक्त आपकी उम्र या 7 साल थी या फिर 13 साल थी। तो पता चला कि जो अल्लाह का नबी होता है और जो नबी के माँ बाप होते हैं वो कभी भी गुमराही के रास्ते में एक पल भी नहीं जाते, एक लम्हा भी नहीं जाते, वो तौहीद पे हमेशा कायम रहते हैं। तो आपके वालिदैन भी और आप भी अपने रब से शनासाई रखते थे। और ये जो तारा और सूरज और चांद, ये उसी गार में जब आपने किसी सुराख से या किसी वक्त बाहर निकल के शहर से बाहर के अकेले जब थे वहाँ देखा, तो ये उन्होंने सारा देखा मंजर, और सारा मंजर देख कर उसके बाद अपनी कौम को मुखातब किया और उनको बता दिया। अब क्या हुआ कि वहाजहू कौमुहु, ये जो आगे उन्होंने आयत बोली पीछे वाली, इन्नी वज्जह तो वज्जिया, असल में ये तमाम अल्लाह वाले जब नमाज पढ़ते हैं तो मुकम्मल इस इन अल्फाज की तरफ तवज्जो करके इन अल्फाज के साथ नियत करते हैं, या अल्लाह मैं खालिस होकर तेरे दरवाजे पे मुसल्ले पे आया हूँ और मैं अपनी पूरी तवज्जो के साथ तेरी इबादत का आगाज करता हूँ और मैं कतान मुशरिकीन में से नहीं, ये इकरार उनकी नियत होती है। तो फिर क्या हुआ, वहाजहू कौमुहु, झगड़ने लगी उनके साथ उनकी कौम। काला अतुहाजूनी, इब्राहिम ने कहा क्या तुम मुझसे झगड़ते हो अल्लाह के बारे में? वक़द हदान, हालांकि उसने मुझे राह बता दी है। राह बता दी का मतलब सीधी राह, दीन की राह। वला अखाफू, और मैं नहीं खौफ रखता, मा तुशरिकूना बिही, उनसे जिन्हें तुम शरीक ठहराते हो यानी जो तुम्हारे खुदा हैं, जो झूठे बुत हैं, इल्ला अय्यशा, मगर ये कि चाहे रब्बी, मेरा रब शैया, कोई बात, जो मेरा रब चाहेगा मैं वही कर सकता हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। वसीआ रब्बी, घेरे में घेरे हुए हैं मेरा रब कुल्ल शैइन इल्मा, हर शय को अपने इल्म से, कोई शय अल्लाह के इल्म से बाहर, खा वो ज़मीन के नीचे हो, खा ज़मीनों के ऊपर हो, या आसमानों में या आसमानों के ऊपर। अब अल्लाह का तज़क करूँ तो क्या तुम लोग नसीहत हासिल नहीं करते? वकैफा खाफू, और मैं डरूँ भी क्यों कर, मा अशरक तुम, उनसे जिन्हें तुम शरीक बनाते हो, वला तखाफून, और तुम्हें खौफ नहीं, अन्नकुम, इस बात का, अशरक तुम कि तुमने
शरीक किया बिल्लाही अल्लाह का, मालम उनको, युनज़िल भी मालम युनज़िल भी उनको के नहीं उतारी अल्लाह ने जिनकी अलैकुम तुम पर सुल्ताना कोई दलील। यानी अल्लाह ने तो नहीं कहा कि तुम बुद्धों को खुदा बनाओ और मेरे शरीक बना लो और मेरे वजीर बना दो और मेरे नायब बना दो और मैं इनके जरिए तुम्हें दूंगा, ये तुमने खुद घड़ा है और घड़ कर ये सारा कुछ शुरू कर दिया। फ़ाइजुल फरीकैन, तो फिर कौन दो फरीकों में से अहक्कु ज़्यादा हकदार होगा बिल अमन, अमन का। यानी अब तुम फैसला करो कि मैं जो अपने रब की इबादत करता हूँ मैं हक का अमन इसका अमन का हकदार हूँ, या तुम जो झूठे खुदाओं के पुजारी हो, फैसला करो। इन कुन तुम तालमून, अगर तुम्हें इल्म है या अगर तुम्हें किसी बात की समझ आती है। अब जब आपने ये ऐलान किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कि मैं अल्लाह का नबी हूँ, ये सारा कुछ सूरज चाँद तारा देखने के बाद, तो उनके झूठे बुतों का माबूदों का रद्द कर दिया, तो कौम तो जाहिर है आपके साथ लड़ाई के लिए आई कि ऐ इब्राहीम हमारे बुतों से डरो। आपको पता है कि आज भी अगर कोई बंदा एक गलत रास्ते पे चल रहा होता है ना, तो अगर आप उसका इनकार करते हैं तो वो कहते हैं कि हमारा जो बड़ा है ना, या हमारा जो रास्ता है, या हम जिस पे चल रहे हैं, अगर कोई उसका इनकार भी करे तो उसे बड़ी बददुआ लग जाती है। कोई जाली पीर बैठा हुआ और कोई जाके आप उसके बारे में कहें कि ये तो बिल्कुल गलत कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक बंदा वुज़ू नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, गंदी जुल्फे, गंदे बाल लटे हुए मट्टी से रखे हुए हैं, गंदे कपड़े पहन के वो अपने आप को बड़ा अल्लाह का वली कलंदर बता रहा है, ना वो रोज़ा रखता है, ना नमाज पढ़ता है, ना अल्लाह के अहकाम पूरे करता है, तो पूजने वाले जाके उसको पूज रहे हैं। कोई बंदा जाके ये कहे कि भाई ये कौन सी पीरी है, ये कौन सी फकीरी है, ये तो सरासर ढोंग है, गलत है, फ्रॉड है, तो जो उसका मुरीद होगा ना सच्चा, जो रंगा हुआ उसके रंग में, वो फौरन आपके आगे खड़ा हो जाएगा, ना ना तौबा कर, डर मेरे पीर से, उसकी बददुआ से तू हिलाक हो जाएगा। तो याद रखो कि ऐसे पीरों की ना बददुआ होती है और ना उससे कोई हिलाक होता, बल्कि उनको हिलाक करना चाहिए जो अल्लाह के दीन के साथ फ्रॉड कर रहे हैं। तो यही कुछ उन्होंने कहा इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कि तुमने हमारे बुतों से टक्कर ले ली है, अब तुम्हारी खैर नहीं है। उनके जवाब में हजरत इब्राहिम ने ये फरमाया कि तुम अल्लाह के बारे में मुझसे झगड़ते हो, हालांकि वो तो मुझे अपनी तौहीद दे चुका, मार्फत दे चुका, और सबसे बड़ी बात कि मुझे खलील बना चुका, मुझे नबूवत दे चुका, तो मैं अब तुम्हारे बुतों से क्यों डरूंगा। अब ये देखिए कितना खतरनाक माहौल था और कितनी कम उम्र थी अभी इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, लेकिन जुरत ईमानी और गैरत ईमानी ने आपको बिल्कुल इसकी तरफ मुतवज्जे नहीं किया कि इस वक्त अपना ईमान छुपा लो, आगे चल के जाहिर कर लेना, नहीं, सरेआम अपना ईमान और अपने दीन का ऐलान कर दिया। जी, और आगे फरमाया कि मैं तुम्हारे इन शरीकों से डर भी क्यों सकता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत होगी इनसे डरने की, जो बेजान मट्टी के लकड़ी के बने हुए हैं, तो कभी लकड़ी और मट्टी भी किसी को नुकसान और फ़ायदा दे सकती है, जो मैं इनसे डरूँ, मुझे इनसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं उसी से डरूँगा जो मेरा रब है, और हकीकत में तो वो तुम्हारा भी रब है, लेकिन तुम्हारी अकलों पर पर्दे पड़ेंगे। अल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लाए, वलम यलबिसू, और नहीं आमेजश की उन्होंने ईमान हम अपने ईमान की बिजुल्मिन जुल्म के साथ, उलाइका लहुमुल अमन, हकीकत में वही लोग हैं जिनके लिए अमान है, और वही लोग मुहतदून हदायत याफ्ता हैं, इसके अलावा कोई ना सीधी राह है, ना किसी राह पे चल के आपको अमन मिल सकता है, ना किसी राह पे चलकर आपको हिदायत नसीब हो सकती है। हज़रत लुकमान ने अपने बेटे को भी नसीहत करते हुए ये कहा था कि ऐ मेरे बेटे, अल्लाह का किसी को शरीक ना करना, बेशक शिर्क करना बहुत बड़ा जुल्म है जो माफ़ भी नहीं होता। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।